हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम बनाएंगे डिजाइनर रफल साड़ी जो कि काफी ट्रेंडिंग में है, ऑर्गेंजा की रफल साड़ी। तो इसे बनाने के लिए मैंने दो तरह के फैब्रिक लिए हुए हैं, एक है हमारा ऑर्गेंजा का फैब्रिक और एक है हमारा सिल्क का फैब्रिक जो कि विंटर के अकॉर्डिंग परफेक्ट है। और ऑर्गेंजा का जो फैब्रिक है वो मैंने 2.5 मीटर लिया हुआ है, 2.5 मीटर लिया हुआ है। और सिल्क का जो फैब्रिक है वो मेरी नॉर्मल साड़ी है 5.5 यानी कि 5.5 मीटर की। अब हम ऑर्गेंजा फैब्रिक ले लेंगे और इसकी हम कटिंग करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंथ वाइज इसे डबल फोल्ड करेंगे। ये हमारा 2.5 मीटर है, 2.5 मीटर ऑर्गेंजा है, तो मैंने इसे लेंथ वाइज डबल फोल्ड किया। अब एक और बार फोल्ड करेंगे तो 4 फोल्ड हो जाएगा। अब इसे हम विड्थ वाइज फोल्ड करेंगे तो ये हमारा 8 फोल्ड में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 8 फोल्ड में कपड़ा हो चुका है, देख सकते हैं 2.5 मीटर कपड़ा है हमारा। पहले हमने लेंथ वाइज फोल्ड कर लिया, फिर इसे विड्थ वाइज कर लिया है। अब यहां से हम देख लेंगे इसका सेंटर और एक मार्क कर लेंगे, सभी का हमें सेंटर मार्क कर लेना है सभी साइड से। क्रॉस में अब इसे रखेंगे और यहां से भी इसका सेंटर देख लेंगे, सभी का एक मिड पॉइंट ले लेंगे और इधर से भी क्रॉस में एक सेंटर ले लेंगे हम इसका। इस तरह से मैंने सेंटर ले लिया है और यहां से यहां भी हम सेंटर देख लेंगे, तो ये एक ही मिड पॉइंट हमारा आ रहा है। अब इस मिड पॉइंट से हम देख लेंगे यहां तक कि कितने इंच आ रहा है, तो मेरा 11.5 आ रहा है। ठीक है, तो अब सभी तरफ हम 11.5 यानी कि 11.5 ले लेकर मार्क कर देंगे। आपको भी इसी तरह से मार्क कर लेना है कि आपका कितना फैब्रिक आ रहा है। मेरा नॉर्मल पन्ने का फैब्रिक है तो ये 11.5 हमारा आ रहा है इस तरह से 8 फोल्ड में। तो मैं 11.5 लेकर एक राउंड बना लूंगी, इसी तरह से पूरा आपको एक सर्कल निकाल लेना है। ध्यान रखना है अगर आपको मिड पॉइंट से इस तरह से मेजरमेंट लेने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहां पर कुछ भी लगा सकते हैं, इस तरह से कुछ रख कर भी आप यहां पर एक सर्कल ले सकते हैं। और साड़ी के लिए मैंने जो नॉर्मल साड़ी का हमारा 5.5 मीटर का कपड़ा आता है उतना ही लिया हुआ है, बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिया हुआ है। तो इसी तरह से हम यहां पर 11.5 लेकर पूरा सर्कल ले लेंगे। और ऑर्गेंजा का ये फैब्रिक मेरा 2.5 मीटर है, तो इस तरह से देखिए मेरा पूरा सर्कल हमें बना लेना है। तो ये सर्कल ऑलमोस्ट हमारा बन गया है 11.5 का। अब सर्कल बनाने के बाद यहां पर मैं डार्क लाइन बना रही हूं लेकिन ये शो नहीं कर रही है, तो मैं पहले थोड़ा चौक को गीला वगैरह कर फिर आपको शो करके दिखाती हूं। पहले हम यहां पर सेंटर का सर्कल बना लेते हैं। तो देखिए सेंटर पर इंच टेप रखना है और 3-3 इंच पर आपको एक निशान लगा देना है। ठीक है, 3-3 इंच पर मैं यहां पर मार्क कर रही हूं। इस तरह से 3 इंच 3 इंच लेकर हमें पूरा राउंड बना लेना है 3-3 इंच का। तो इस तरह से मैंने 3-3 इंच लेकर पूरा राउंड बना लेना है। आपको सेंटर में इंच टेप रखना है। ध्यान रखना है कि जो मिड पॉइंट हमने लिया है वहीं पर हम इंच टेप रखें और 3-3 इंच पर हम मार्क करते जाएंगे। मिड पॉइंट से इंच टेप ही लेना, इस बात का आपको मेन ध्यान रखना है। तो मैंने 3-3 इंच पर इस तरह से मार्क कर लेना है। इस तरह से मार्क करेंगे और मार्क करने के बाद हमें मेजर करना है। ठीक है, तो इस तरह से अब हम यहां पर लाइन बना लेंगे, सर्कल बना लेंगे, इस तरह से इसे डार्क कर देंगे सारे निशानों को। अब हमें इसे मेजर कर देखना है। तो देखिए यहां से यहां मैंने पूरी डार्क लाइन बना दी है दोनों ही सर्कल्स में डार्क लाइन। आई होप अब आपको शो हो रही हो, तो ये डार्क लाइन्स बन चुकी है। अब हम ये जो सेंटर का राउंड है, देखिए बाहर की भी लाइन बना दी है, अब हम सेंटर का जो राउंड है इसे मेजर करेंगे। तो एक निशान मैंने लगाया है एक, जहां से हम मेजर करना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हमें मेजर करके देख लेना है कि ये कितना आ रहा है। ये आपका 90 इंच समथिंग आना चाहिए, काफी है, 90-20 आएगा तो ये काफी रहेगा, आपका इजीली हो जाएगा और भी थोड़ा सा आपका बच जाएगा 4-5 इंच। तो ये मेरा 90-20 के बीच में आ रहा है, तो ये सफिशियंट है, इतना ही आना चाहिए आपका। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इजिली हो जाएगा। अब हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जहां से हमें इसे कटिंग करना होगा। किसी भी तरफ आप एक साइड ये लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। तो इस तरह से मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहां पर आपको पिनअप कर लेना है, मैंने पिनअप नहीं किया है अभी, तो इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अगर आपका अंदर का सर्कल कम ज्यादा हो रहा है, अगर जैसे कि मान लेते कम हो रहा है, तो फिर आपको बाहर बाहर की तरफ कटिंग कर लेना है अंदर के चौक वाले निशान से। और ज्यादा हो रहा है तो आप अंदर का जो राउंड है उसे अंदर अंदर की तरफ कटिंग कर लेना इस तरह से, और वीडियो में दिखाया है इसी तरह से आपको कटिंग कर लेना है। अभी अंदर का सर्कल कट करके हम निकाल लेंगे, जहां पर चौक की मार्किंग में एज इट इज यहां पर कटिंग कर लूंगी। तो देख सकते हैं मैंने कटिंग कर ली है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा दिया है और इसका जो बाउंस है ना वो काफी ज्यादा अच्छा आएगा। आप देख सकते हैं रफल्स में ज्वाइंट जरूर आते हैं बट यहां पर बाउंस काफी अच्छा आएगा, और उसे ज्वाइनिंग की भी मैं ट्रिक बताऊंगी, तो वीडियो को कम्प्लीट देखना है। अब देखिए यहां पर अब हम इन सारे रफल्स को ज्वाइन करेंगे, तो दो दो लेयर लेते जाएंगे। देखिए पहले मैं इन्हें अलग कर देती हूँ, तो दो दो लेयर्स को लेंगे और इस तरह से यहां पर
रॉन्ग राइट साइड को अंदर रखते हुए रॉन्ग साइड बाहर रखते हुए स्टिच लगा देंगे आधा आधा इंच का मार्जिन लेते हुए, फिर एक से एक रफल को इस तरह से जोड़ते जाएंगे। और जोड़ने का तरीका क्या है वो मैं आपको मशीन पर दिखाती हूँ चल के कि किस तरह से आपको जोड़ना है। और नीचे आपको यहाँ पर डबल फोल्ड करते हुए या तो सिलाई लगा लेना है या फिर आपको पिको कर लेना है। मैं यहाँ पर वायर वाला पिको करूंगी, मुझे थोड़ा सा बाउंस ज्यादा दिखाना है। अगर आपको बाउंस ज्यादा नहीं चाहिए तो आप सिंपल सिलाई या सिंपल पिको भी कर सकते हैं। तो देखिए जोड़ने का तरीका इस तरह से है कि यहाँ पर सिंपल पट्टी को इस तरह से आधा इंच का मार्जिन लेते स्टिच करना है, फिर डबल फोल्ड कर लेना है। तो क्या होगा कि इन रफल्स के धागे नहीं निकलेंगे। देखिए उल्टी साइड इस तरह से मैं फैब्रिक को लेकर डबल फोल्ड कर रही हूँ और यहाँ पर पहले मैंने रॉन्ग साइड एक सिंपल स्टिच लगा दी थी आधा इंच का मार्जिन लेते हुए, और इस तरह से मैं जो 8 पट्टियां हमारी निकली 8 लेयर्स है उनको इसी तरह से स्टिच कर लूंगी। ठीक है, अब उसके बाद में मैंने साड़ी ले ली, इसे ओपन कर लेंगे और इसका जो जहां से हम साड़ी पहनना शुरू करते हैं वो वाला पार्ट लेंगे। तो ये पार्ट मैंने ले लिया है। अब इस पार्ट से हम इंच टेप से मेजर करेंगे। सबसे पहले तो हम 1 मीटर मेजर करेंगे, तो 1 मीटर हमारा होता है 39 to 40 इंच का, तो हम इस तरह से मेजर कर लेंगे। तो ये मेरा आ गया 39.5। तो यहां पर मैंने उंगली रखी और इस तरह से लेकर डबल फोल्ड करेंगे, फिर एक और फोल्ड करेंगे, तो ये हमारा 3 मीटर कपड़ा हो जाएगा। तो ये मेरा 3 मीटर कपड़ा हो गया। देखिए इस तरह से 3 लेयर हो गई, ये 3 मीटर मेरा फैब्रिक है। ठीक, ये फैब्रिक की मार्किंग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इतने एरिया में हम रफल्स नहीं लगाएंगे, इसे सिंपल साड़ी की तरह ही रखने वाले, कोई भी मैं इसमें कटिंग नहीं करूंगी साड़ी में। जब रफल्स का फैशन आउट होता है तो आप रफल्स को निकालकर सिंपल साड़ी की तरह वियर कर सकते हैं। तो ये 3 मीटर फैब्रिक हम अलग निकाल देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर आप चाहे तो 3 मीटर के बाद से भी रफल लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 3 मीटर की जगह मैंने एक निशान लगा दिया, लेकिन मैं यहाँ से नहीं लगाऊंगी, इससे 10 इंच आगे की तरफ लगाऊंगी, वरना वो रफल नीचे जाएगी। ठीक है, नीचे की तरफ रगड़ती रहेगी। तो मैंने 10 इंच एक्स्ट्रा लिया है और वहां पर एक मार्क कर लिया है। 3 मीटर जो कपड़ा था उससे 10 इंच एक्स्ट्रा लेकर मैंने मार्क किया। अब इस निशानों को हम इस पल्ले के इस साइड भी ले लेंगे। ठीक है, दोनों साइड इसलिए ले रही हूँ क्योंकि पहनकर देखेंगे कि उल्टा सीधा किस तरफ है, तो बाद में हमें वापस निशान ना लगाना पड़े, इसीलिए हम यहाँ पर ऊपर नीचे दोनों तरफ निशान ले लेंगे ताकि हमें पता चल सके कि हमें किस तरफ रफल्स को लगाना है। तो मैंने दोनों साइड ये निशान ले लिए, एक हमारा ये ठीक है 3 मीटर वाला निशान, एक 10 इंच वाला। तो मैं रफल्स यहाँ पर 10 इंच वाले से लगाना स्टार्ट करूंगी। तो ये यहां से यहां तक इस पूरे एरिया में रफल रहेगी, पल्लू हमारा आ जाएगा। ठीक है, और पटली वाले पार्ट में हम बिल्कुल भी रफल्स नहीं लगाने वाले हैं। ठीक है, तो मैं इस तरह से इसमें रफल्स ऐड करूंगी, यहां से हमारा रफल रहेगा। अब देखिए आपको नहीं समझ में आता तो मैंने पहन के बता दिया कि यहां से हमारा रफल आना स्टार्ट होगा जो कि पल्लू तक रहेगा, पल्लू के नीचे तक, बाकी पट्टियों में कुछ भी फ्रिल्स रफल्स नहीं रहेंगे। अब मैंने पल्लू वाला पार्ट लेकर इसे इस तरह से डबल फोल्ड किया है और यहाँ पर हल्का सा इस तरह से गोलाई दे देंगे। ये गोलाई इस तरह इसलिए है ताकि शेप हमारी रफल्स का काफी अच्छा दिखे। तो इस तरह से आपको भी एक राउंड लगा देना है इसमें। और मेरी वॉइस को आप थोड़ा इग्नोर कीजिए, मेरा गला थोड़ा खराब है। तो अब इसे हम कटिंग कर लेंगे निशान के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा जो हमने गोलाई दी है, देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है। अभी रफल्स हमारी तैयार है, पिको मैंने कर लिया है, वायर वाला पिको किया है। और इन आपस में रफल्स को स्टिच कैसे करना है हमने स्टार्टिंग में आपको बता दिया है ताकि धागे ना निकले और अच्छा दिखे, इसीलिए हमें स्टिच कर लेना है इसे। अब मैंने साड़ी की राइट साइड दी हुई है, पल्लू वाला पार्ट लिया हुआ है जहां पर हमने गोलाई दी थी, और इसकी राइट साइड हम अंदर की तरफ रखेंगे। साड़ी की राइट साइड, फ्रिल्स की राइट साइड दोनों अंदर की तरफ है और रॉन्ग साइड बाहर की तरफ है। और इस तरह से मैं पल्लू में जहां से हमने गोलाई दी थी, देखिए कपड़े की कटिंग है, वहीं से हम लगाना स्टार्ट करेंगे। और यहां पर एक चीज का ध्यान रहे, हम इसे साड़ी के कपड़े से थोड़ा सा यहाँ पे आधा इंच नहीं 0.2 इतना मैंने यहाँ पर नीचे की तरफ रखा है, क्योंकि एक फोल्ड हम साड़ी का करेंगे और एक फोल्ड जो करेंगे उसमें हम ऑर्गेन्जा फैब्रिक को भी ले लेंगे। देखिए मैं अभी बताती हूँ आपको, देखिए मैंने इसे थोड़ा सा रफल्स को नीचे रखा है, पहले एक फोल्ड साड़ी के कपड़े से किया, फिर एक और फोल्ड किया उसमें मैंने ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लिया। अगर दोनों ही फोल्ड हम ऑर्गेन्जा के फैब्रिक को साथ में लेते हुए कर देंगे तो यहाँ पर एक कड़क सा फैब्रिक हो जाएगा, तो वो उठी उठी रफल लगेगी, इसलिए ऐसा नहीं करना है आपको। पहले एक फोल्ड यहां पर इस तरह से साड़ी वाले कपड़े का करना है, फिर उसे लेते हुए ऑर्गेन्जा के फैब्रिक को भी हम कर लेंगे। इस तरह की स्टिच जो रहेगी वो बिल्कुल फिनिशिंग और प्रॉपर स्टिच दिखेगी। नॉर्मल तो आप इस तरह से दोनों को रखकर एक सिलाई लगा सकते हैं और फिर उसमें आपको ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगानी होगी, तो ऐसा नहीं करना है, धागे नहीं निकले ऐसा काम हमें करना है। अगर हम ओवरलॉक करेंगे तो ऑर्गेन्जा का फैब्रिक शो होगा, इसलिए हम ओवरलॉक भी नहीं करेंगे। तो देखिए मैं इसे जो रफल्स को रख रही हूं ना, वो साड़ी के कपड़े से 0.2 इतना हल्का सा नीचे की तरफ रख रही हूं। तो एक फोल्ड में साड़ी के कपड़े का कर रही हूं और जो डबल फोल्ड एक और कर रही हूं मैं उसे, उसमें हम ऑर्गेन्जा का फैब्रिक भी साथ में लेते जा रहे हैं। तो इसी तरह से डबल फोल्ड करते हुए आपको स्टिच करते जाना है पूरे में।
ये रफल्स हमारी पल्लू पार्ट में रहेगी, जो मैंने निशान बताया था वहां तक ये रफल्स हमारी आएगी, पूरे पल्लू में होते हुए। पल्लू के एक कोने से हमने शुरू किया है और पल्लू के दूसरे कोने को इंक्लूड करते हुए हम उस निशान तक आ जाएंगे, ठीक है। जो हमने लगाया है ना 3 मीटर के बाद 10 इंच का, तो वहां तक हमें रफल्स लगा देना। तो देखिए मेरा निशान आ गया है, यहां तक मैंने लगा दी। मेरा थोड़ा सा टुकड़ा बचा है 4-5 इंच का, तो काफी है। आप चाहे तो ब्लाउज में यूज कर सकते हैं। ये राइट साइड हमारी काफी फिनिश दिखेगी, इसमें कहीं भी आपको ऊपर सिलाई लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। और पहनने के बाद आप इसका लुक देख सकते हैं, काफी खूबसूरत आया है। और ब्लाउज और बेल्ट का भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। काफी खूबसूरत लग रही थी साड़ी पहनने के बाद। आप यहाँ पर चाहे तो नीचे बॉटम में भी रफल्स ऐड कर सकते हैं, मैं उस तरह की साड़ी का भी वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगी। लेकिन यहाँ पर जो कस्टमर की डिमांड थी वो थी कि सिर्फ पल्लू में और इसमें ही रफल्स लगाना, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग इस साड़ी को तैयार किया है। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग भी साड़ी को तैयार कर सकते हैं नीचे रफल्स लगाकर उसका, ठीक है। लेकिन जो डिमांड थी उनकी यही थी कि हम इस साड़ी को वापस रीयूज कर सके, रफल्स के फैशन के अकॉर्डिंग पहनकर वापस रीयूज कर ले, तो उसी के अकॉर्डिंग ये साड़ी तैयार हुई है। और आप चाहे तो मैं उस तरह का वीडियो भी शेयर कर दूंगी कि आप किस तरह से उसे और बना सकते हैं नीचे रफल्स एड कर और लहंगा टाइप बनाकर, तो वो सारा मैं आपके सभी के साथ शेयर कर दूंगी। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए इसी वीडियो के लिए। और आपको ये साड़ी कैसी लगी प्लीज कॉमेंट में बताइएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।